नमस्कार मैं प्रहलाद कुमार मीणा एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस बी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर <coughs> इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इससे के इससे पहले के वीडियो में हमने मे के जीवन परिचय अपने के शिशु और उनकी जो रचनाएं हैं उनके संबंध में चर्चा की थी आज के इस वीडियो में हम मेक्यावली के राज की उत्पत्ति राजा के कार्य और उसके विस्तार की योजना या सम्मिलित रूप से मेक्यावली के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करेंगे मेक्यावली के राज्य की उत्पत्ति या विस्तार का प्रयोजन संबंधी विचार या राज्य संबंधी विचार वैसे तो मैं क्यावली ने राजा की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया और न ही उसने राज्य की कोई परिभाषा दी न उसके विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया और न ही उसके तत्वों आदि का विश्लेषण किया उसने जो कुछ भी कहा, कहा है वह क्षमतापूर्ण राज्य को तत्कालीन परिस्थितियों में चलाने की युक्तियाँ या योजनाएँ बताई हैं ये युक्तियाँ या राज्यकला ही उनके राजनीतिक विचार बन गए हैं मेकयावली राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता है उसका विचार है कि एक समय मानव जाति के इतिहास में ऐसा भी था जब न कोई समाज था न ही राज्य मनुष्य स्वच्छंद जीवन व्यतीत करता था लेकिन मानव स्वभाव मूल रूप से स्वार्थी दुष्ट प्रकृति और अहंकारी होने के कारण राज्य विहीन अवस्था में परस्पर संघर्ष करने तथा एक दूसरे की संपत्ति हथियाने की चेष्टा रखता था ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को शासक या राजा बनाने का निश्चय किया जो उनके धन जन की रक्षा कर सके इस प्रकार मै क्यावली के राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत के साथ शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इस प्रकार वह आपस के विचारों के विचारों से साम्यता रखता है मैकेवली ने वैसे तो राज की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत नहीं दिया नहीं बताया लेकिन वो प्राचीन इतिहास जब कोई समाज नहीं था तो व्यक्ति आपस में संघर्ष करता था उन संघर्षों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया शासक बनाया जो उनके धन की और उनकी संपत्ति की रक्षा कर सके तो उसे संविदा सिद्धांत जिसका प्रारूप समझौतावादी विचारक हाफ लाक रूसो माने जाते हैं उनके नज़दीक उनको में के विचार उनके नज़दीक मिलते हैं लेकिन उनमें भी वो शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान मानता है अपने ग्रंथ प्रिंस व डिस्कोर्सेज में वह इस बात पर जोर देता है कि राज्य अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाने की बात करता है विशेष रूप से उस समय तो अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जब केंद्रीय सत्ता राज सत्ता को अपने ही राज्य के किसी भाग को अपने अंतर्गत लाना हो वस्तुतः इटली के एकीकरण का जो उसका लक्ष्य था उसे दृष्टि में रखते हुए उसके द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं राज्य की राज्य हितों की सुरक्षा हेतु बताए गए सुझाव या सुरक्षा राज्य की सुरक्षा राजा का महत्वपूर्ण कार्य है तो जो उपाय हैं जो सुरक्षा के उपाय हैं वो ही राजा के कार्य माने गए हैं प्रिंस के उनकी प्रसिद्ध जो रचना प्रिंस नाम से है कि अट्ठारहवें अध्याय में मेकेवले ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए आ, राजा के द्वारा जो किए जाने योग्य कार्य हैं उनमें पहला कार्य है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना मेक्यावली शक्ति ही सत्य में सत्य में विश्वास रख करता है और शक्ति मे की समस्त राजनीतिक विचारधारा का मुख्य तत्व है अतः मेकयावली राजा को शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने के निर्देश देता है शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है और इस कार्य को राजा शक्ति के आधार पर ही संपन्न कर सकता है दूसरा जो कार्य बताया श्याम धाम दंड और भेद को अपनाना मेक्यावले ने राजा को श्याम धाम दंड भेद का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया है राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों को प्रदर्शित करना चाहिए इससे लोग समझें कि राजा बहुत सद्गुणी हैं परंतु उसे सदगुणों का दास नहीं होना चाहिए राजा के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों और अन्य राज्य के शासकों को जो वचन दिए गए हैं उनका महत्व है लेकिन उनका पालन तब तक ही किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करना राज्य के हित में हो सिंह व लोमड़ी के गुणों के को धारण करना तीसरा जो कार्य राजा का बताया है सिंह व लोमड़े के गुणों को धारण करना सिंह सिंह और लोमड़े के गुण जैसे राजा में अपने आप में होने चाहिए या उनको धारण करना चाहिए शासक को छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी व भेड़े को डराने के लिए शेर जैसी ताकत होनी चाहिए शासक के विरुद्ध किए जाने जा रहे षड्यंत्रों और उपद्रवों को जानने और उनसे बचने के लिए लोमड़ी जैसी चालाकी और मक्कारी एवं भेड़िया अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए सिंह जैसी शक्ति होनी चाहिए मनुष्य मानवीयता और पशुता के विरोधी तत्वों से मिलकर बना है अतः राजा को इन दोनों तथ्यों के साथ तत्वों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान निश्चित रूप से होना चाहिए नंबर चार जो कार्य राजा का है कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करवाना कानूनों का पालन, का पालन नितान्त आवश्यक है अतः राजा को सामाजिक और राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं रखनी चाहिए बल्कि कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कानूनों की अवहेलना करने वालों में डर बना रहे पांचवा जो कार्य बताया सैनिक शक्ति का विस्तार व युद्ध की स्थिति बनाए रखना मेकेवली की मान्यता है कि सेना व उसकी शक्ति का विस्तार करते रहना चाहिए और छदम युद्ध की स्थिति बनाए रखनी चाहिए युद्ध की स्थिति का भय न केवल सैनिकों में वरन नागरिकों में भी नागरिकों में भी अनुशासन देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास करता है या विकास होता है मेकेवली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से ही सम्मान प्राप्त होता है छठा जो कार्य है राष्ट्रीय सेना का गठन करना राजा को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना बनानी चाहिए उसे किराया या वेतन वाली अस्थायी सेना पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मेकयावली के अनुसार ये असंगठित महत्वाकांक्षी अनुशासनहीन अ कृतज्ञ मित्रों में बहादुर परंतु सत्रों पर सत्रों में कायर होते हैं उन्हें ईश्वर से कोई डर नहीं होता है और मनुष्य में कोई विश्वास नहीं होता एक स्थान पर लिखता है कि दूसरों के अस्त्र या तो ऐसा फल हो जाते हैं या अतिभा डालते हैं या रुकावट पैदा करते हैं अतः राजा को अपने राष्ट्र का गठन करना चाहिए नंबर सात जो राजा का कार्य बताया राजा का आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए राजा के आचरण में लोगों में डर जैसा हो लेकिन वो उनसे घृणा नहीं करे मेक्यावली के अनुसार प्रेम की अपेक्षा भय मानव का स्थायी तत्व है अतः प्रजा के हृदय में प्रेम की अपेक्षा भय उत्पन्न किया जाना चाहिए परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम घृणा में बदलने बदलना नहीं चाहिए या बदलने पाए अन्यथा राजा व राज्य का विनाश निश्चित है आठवां कार्य संपूर्ण सम्मानपूर्ण आचरण राजा के द्वारा अपने सम्मान और अपने प्रति भाव भाव को अपनाए रखने के लिए राजा को भय बनाए रखने के लिए सम्मान पूर्वक आचरण को अपनाना चाहिए और इस दृष्टि से उसे दो कार्य नहीं करने चाहिए पहला प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डाले या उसको व्यसने नहीं होना चाहिए दूसरा प्रजा की संपत्ति छीनने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए और तीसरा इसमें जोड़ सकते हैं कि राजा को प्रजा की सामाजिक रूढ़ियों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए नंबर नौ योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श राजा को लेना चाहिए क्योंकि राजा को शासन संचालन और सलाह के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है इसलिए योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श लेना जरूरी है मंत्रियों के चयन और उनसे परामर्श लेने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि शासन की कुशलता मंत्रियों की योग्यता व वफादारी पूर्वक दिया परामर्श ही शासक की कुशलता पर निर्भर करता है अतः ईमानदार और कुशल और विश्वसनीय व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया जाना चाहिए नंबर टेन चापलोसों से दूर रहना चाहिए आत्मस्तुति या प्रशंसा मानव स्वभाव की कमजोरी है अतः शासक का चापलों से दूर रहना चाहिए बचकर रहना चाहिए चापलूस राजा व राज्य के लिए कभी भी संकट पैदा कर सकते हैं नंबर इलेवन मित्वेयता के साथ उदारता रखना मतलब कम खर्चेला होते होने के बावजूद भी उदारतापूर्वक जनता के साथ व्यवहार उसे करना चाहिए राजा को अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए जिससे राजकोष की हानि नहीं हो परंतु युद्ध में लूट का जो माल प्राप्त हो उसे चुपचाप खजाने में रखने के बजाय उदारतापूर्वक प्रजा व सैनिकों में बांट दिया जाना चाहिए जिससे स्वामी भक्ति बढ़ती है और प्रजा खुश रहती है नंबर ट्वेल्व व्यापार व वाणिज्य का विकास करना राजा को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति की ओर सदैव ध्यान रखना चाहिए अन्यथा राज्य निर्धन हो जाएगा जिसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे लेकिन ऐसा करते हुए उसे स्वयं व्यापार व वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए <coughs> नंबर थर्टीन निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन देना निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन प्रोत्साहित करने के लिए राजा के द्वारा पुरस्कार उपाधियों और पदों का वितरण करते रहना चाहिए और इस कार्य को स्वयं राजा द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उसकी प्रशंसा व ख्याति में वृद्धि होती है लेकिन दंड देने और दमन के कार्य जैसे कार्यों को अधिकारियों द्वारा करवाया जाए ताकि प्रजा के मन में राजा के प्रति घृणा उत्पन्न न हो नंबर फोर्टीन कला और साहित्य में रुचि रखना राजा को कला व साहित्य में रुचि लेनी चाहिए इससे प्रजा ये समझे कि राजा उनके विकास और उन्नति के लिए उत्सुक है इसके साथ ही जनता का दिमाग बड़ी बड़ी योजनाओं बनाकर उनमें लगाए रखें रखें ताकि जनता राजा के विरोध की बात दिमाग में नहीं लाए नंबर फिफ्टीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संतुलन रखना अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शासक को शक्ति संतुलन रखना चाहिए ताकि कोई राज्य इतना शक्तिशाली न हो पाए जिससे जिसके सामने उसे झुकना पड़े उसे पड़ोसी राज्यों में हमेशा हस्तक्षेप करते रहना चाहिए ताकि वो समझौते के लिए उसकी तरफ ताकते रहें पर पड़ोसी राज्यों को जीतने के स्थान पर मित्र बनाने के उपाय करने चाहिए और अंतिम सोलहवाँ जो राजा के द्वारा किया जाने वाला कार्य है उसके बारे में आ, मैं क्या वाली बताता है कि विजित राज्य की जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना विजित राज्य या हार्यवय राज्य पर अधिकार करने के बाद उसके संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए बल्कि प्रजा को प्रलोभन देकर और अच्छा व्यवहार करके अपना मित्र बना लेना चाहिए तब पहले के शासक की गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार मे क्या ने एक सफल शासक के लिए जो कार्य बताए हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की और उनमें यथार्थबद्धता दिखती है जिनका पुनः एक बार हम ध्यान करते हैं अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना नंबर एक नंबर दो शाम धाम दंड और भेद को अपनाना नंबर तीन सिंह व लोमड़ी के गुणों को धारण करना नंबर चार कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करना नंबर पाँच सैनिक शक्ति व युद्ध की स्थिति बनाए रखना नंबर छः राष्ट्र सेना का गठन करना राजा का आचरण भयुक्त हो लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए नंबर आठ सम्मानपूर्ण पूर्ण आचरण होना चाहिए नंबर नौ योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श लेना चाहिए नंबर टेन चापलों से दूर रहना चाहिए नंबर इलेवन मित के साथ उदारता रखनी चाहिए नंबर ट्वेल्व व्यापार और वाणिज्य का विकास करते रहना चाहिए नंबर थर्टीन निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहित प्रोत्साहन देना नंबर फोर्टीनथ कला और साहित्य में रुचि रखना नंबर फिफ्टींथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संतुलन रखना और अंतिम जो कार्य है विजित राज्य की जनता से मैत्री संबंध रखना निष्कर्ष रूप में मेख्यालय ने राजा को नैतिक अनैतिक उचित अनुचित धार्मिक अधार्मिक सभी उपायों के प्रयोग की अनुमति देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि राजा का अंतिम उद्देश्य राज्य की प्रगति एवं समृद्धि है मेक्यावली द्वारा राजा के आचरण और कर्तव्य की धारणाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह यथार्थवादी विचारक है उसका यह कथन यथार्थवादी है कि राजा में शेर की सूरता और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए यदि संभव हो तो राजा को एक ही समय अपना सौम्य और रो रौद्र रूप प्रदर्शित करना चाहिए इस प्रकार इस वीडियो में हमने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हालांकि स्पष्ट रूप से प्रतिपादित मेख्यालय द्वारा नहीं किया गया लेकिन उसके विचारों से और उसकी पुस्तकों में जो विवरण दिया गया है उसके आधार पर वो संविधा के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की बात अप्रत्यक्ष रूप से उसके विचारों में दिखाई देती है और एक सफल राजा को किस प्रकार करने चाहिए जो प्रिंस पुस्तक तो के अठारहवें अध्याय में उसके द्वारा व्यक्त किए गए हैं या उनका विवरण दिया गया है उनके बारे में हमने चर्चा की आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद घर में रहें सुरक्षित रहें